ये बहुत खतरनाक खबर हमारे सामने आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की अचानक हमले की सीक्रेट तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले की अंतिम तैयारी में लगा ईरान, रिपोर्ट आ रही है। इजरायली चैनल 10 की रिपोर्ट में दावा, ईरान में असामान्य गतिविधि की खबर आ रही है। इजरायल पर हमले से पहले की तैयारी चल रही है, यह रिपोर्ट आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में बहुत असमान तैयारियां चल रही हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके शॉर्ट्स प्ले मत करिएगा, इस ब्रेकिंग को मेरे और सुमित के बीच में लीजिए। सीधे चले सुमित के पास। सुमित, वहां पर मिसाइलों का मूवमेंट हुआ कल रात में, हमने ये बताया था कल के शो में, आज वहां पर एक अलग सी गतिविधि चल रही है। चैनल 10 रिपोर्ट कर रहा है ईरान इज ऑल्सो इन द एज, हो क्या रहा है सुमित, जस्ट टेल अस क्विकली। देखिए बिल्कुल, चुनाव भले ही अमेरिका में हो रहा हो निशांत, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र है और हर कोई अपने एजेंडा साधने में लगा हुआ है। खासतौर पर ईरान की अगर बात कर ले, कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे, 48 से 72 घंटे ऐसे क्रूशल हैं जब ईरान बड़े हमले इनिशिएट कर सकता है इसराइल पर। और ये बात लगातार वहाँ पर आप कह सकते हैं हर स्टेटमेंट में नज़र आ रही है, जहाँ पर उन्होंने उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने ऊपर अटैक का बदला ज़रूर लेंगे और हम भी अपनी तैयारियों में लगे। तो निश्चित तौर पर हम मान के चलिए कि जब अमेरिका में रिजल्ट आ रहा होगा तो एक और रिजल्ट, एक और चीज़ें हमें देखने को मिल रही होगी। जो लेट मी ओपन दिस कैन नाउ, यहां पर सिन्हा सर के पास मैं आ रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर में से एक, ब्रेक करिए। इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी चुनाव के दौरान इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका, बड़ी खबर। इजरायली बेस पर 400 मिसाइलों से हमले का प्लान, 400 हाइफा में, खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमले की आशंका। SU-24 से बड़े एयरस्ट्राइक की तैयारी में ईरान, वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर का बहुत बड़ा खुलासा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए उस वक्त की बड़ी खबर। ईरान कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है और ये हमारी आज की बड़ी खबर है। इलेक्शन के दौरान दे कैन ट्राई आउट समथिंग रियली एडवेंचरस, ये हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए इस खबर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, अपर गोप्रो पर दिखाइए। ये जो जानकारी है, ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। 24 घंटे के अंदर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान, बड़ी खबर। अमेरिकी मतदान खत्म होते ही इजराइल पर हमले की आशंका है, बड़ी खबर। ईरान की 400 मिसाइलें, अर्श और लॉन्ग रेंज ड्रोन रेडी टू लॉन्च मोड में। ईरान की खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमले को तैयार है। इजराइल के मिलिट्री फैसिलिटी ईरान के मुख्य टारगेट पर है, हाइफा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निशाने पर है। ईरान के SU-24 बॉम्बर्स टैक्टिकल बम से हमला कर सकते हैं। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास, ये बड़ी खबर आ रही है। सिन्हा सर, बहुत चिंताजनक खबर है, और मैं आपको यहां पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं सर, कल रात में टेलीग्राम चैनल्स पर, ओपन सोर्स इंटेल के कई चैनल्स पर, एक्स के प्लेटफॉर्म पर खबर आई कि इराक से स्वॉर्म ड्रोन से अटैक हुआ है, इराक में हमले हो गए, इराक से हमले हो गए इजराइल पर, देन इट वेंट बस्ट, कुछ नहीं हुआ। सर क्या ऐसा लगता है आपको कि चुनाव खत्म होते ही ईरान अटैक कर सकता है? जय हिंद निशांत जी। देखिए, ये जो 5 तारीख का एक मैजिकल डेट है जिसके ऊपर दुनिया की आंखें लगी हैं, और ये डेट मार्च 2025 तक जाता है, जिसमें 20 जनवरी भी एक डेट आता है, उस 20 के दौरान नंबर ऑफ डेट्स हैं। अभी ईरान ने जैसे प्रॉक्सी किया था 3H, उसी तरह उसने अमेरिका में भी किया, और मैं इसको जमीन पे देखा हूँ, जब पूरे यूनिवर्सिटीज में ईरान के सपोर्ट में, वो हमास के सपोर्ट में लोग उन यूनिवर्सिटीज में सड़कों पे थे बहुत बड़ी, तो वो ये चीज को करना चाह, इसलिए ये जो खबर आ रही है झूठी खबर नहीं है। ईरान एब्सोल्युटली इसको मैनेज करना चाहता है कि एक, क्योंकि उसको ये डर है कि ट्रंप आ गए, यदि ट्रंप आ गए तो जो वेस्ट एशिया का आप देखेंगे परिस्थितियां बदली होंगी। दीपक सर हैं, दीपक सर भी बताएंगे कि ये टोटल। सिन्हा सर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास एग्जैक्टली 40 सेकंड्स में वापस आ रहा हूं। मैं आपको 2 इनपुट और दूंगा और फिर आपका कॉमेंट लूंगा। सीधा ये बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी चुनाव में बस 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन इस सब के बीच में ईरान में रूसी विमानों की मौजूदगी से हलचल। सिर्फ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर, तेहरान पहुंचा रूसी एयरफोर्स का AN-148, ये बहुत बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है, इट्स अ मैसिव कार्गो एयरक्राफ्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट सुमित, ये बहुत बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है। रूसी विमान से हथियार ईरान पहुंचने की आशंका है, रूसी विमान से बड़े सैन्य अधिकारी के ईरान पहुंचने की खबरें।
इस सब के बीच में अगली खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, बहुत बड़ी खबर है। देखिए अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि ईरान पहुंचा है अमेरिका का बॉम्बर, ये देख रहे हैं आप यहां पर। इनका चुनाव अब से कुछ क्षणों में होने वाला है, लॉन्ग शॉट पे हमें कट करना होगा, दिखा दीजिए एक बार। इनका चुनाव कुछ क्षणों में होने वाला है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कमला हैरिस की, हम यहां पर बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं सीधे प्ले करिए, क्योंकि इसीलिए अमेरिका को दिखाना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर्स ने संभाला मोर्चा, बड़ी खबर। 6 अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की तैनाती, बड़ी खबर यह नहीं है, बड़ी खबर यह है मिडिल ईस्ट के कतर एयरबेस पर पहुंचे 2 और अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स। ये देखिए, ऐड करिए इस लाइन को, करेक्ट करिए जरा, बड़ी खबर है। 4 B-52 बॉम्बर्स की लोकेशन गुप्त रखी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।